हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार चैनल पे। मैं हूं संजय। इस कोर्स में जो हमने अभी तक क्रिएट किया है, दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम, एक प्लगइन जिसके अंदर दो सब मेन्यूज हैं, एट एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि ये जो हमारा एट एम्प्लॉय फॉर्म है जिसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हैं। अब इस फॉर्म को यूज़ करके ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डेटा को सेव करने वाले हैं अपने डेटाबेस में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स इस चैनल पर अपलोड करते रहें। एक और बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मे बी ये वीडियो आपके लिए कन्फ्यूजन होने वाला है। सो मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को देखने के पहले अगर इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने एडिटर में। हम ओपन करने वाले हैं WP कॉन्टेंट प्लगइन्स और ये रहा हमारा कस्टम हाइफन प्लगइन का फोल्डर। मैं ओपन करने वाला हूँ अपने प्लगइन के मेन फाइल को, और उससे भी पहले अगर मैं ओपन कर लूँ पेजेस वाले फोल्डर से एट एम्प्लॉय लेआउट। सो ये वही फॉर्म है, ये वही पेज है जिसके हेल्प से ये लेआउट हमें डिस्प्ले हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फॉर्म इनपुट्स के यूज से, ग्लोबल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के यूज से हम इन डेटास को सेव करने वाले हैं अपने डेटाबेस टेबल में। सो आपको ये भी याद हो कि पिछले वीडियोस में हमने एक टेबल भी क्रिएट किया था ऑन प्लगइन एक्टिवेशन हुक, और वो टेबल था WPEMS फॉर्म डेटा। अगर मैं जाऊँ टेबल के अंदर स्ट्रक्चर में तो हमारे पास ये सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। ये सारे वही फील्ड्स हैं जो हम यहाँ से उनको इनपुट करके हम सेव कर सकते हैं। मैं जाऊँगा एडिटर में, और यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्म के कोड पे ध्यान दें तो हमारे पास एक फॉर्म टैग है, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। हर एक फील्ड के साथ हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है। सो इसका मतलब अगर इस फॉर्म में अगर इनपुट फिल करने के बाद अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करें तो आफ्टर सबमिशन हमें इसके पोस्ट रिक्वेस्ट को ट्रैक करना होगा, और ट्रैक करने के बाद सारे डेटास को गेट करके हम ग्लोबल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेव करेंगे। सो इसी लेआउट में @employee.php में हम अपना सेव करने का कोड लिखने वाले हैं। सो मैं जाऊँगा इस पेज के मीन्स पेज नंबर 1 इसके टॉप हेडर पे, और हम डिफाइन करने वाले एक PHP टैग। सो यहाँ पर अगर हम फॉर्म सबमिशन का कोड अगर इसी पेज पे लिखना चाहें तो सबसे पहले हमें ये डिटेक्ट करना होगा कि क्या हमने मीन्स फॉर्म को सबमिट किया है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इफ सर्वर, ये ग्लोबल वेरिएबल है PHP का। इसके अंदर हम डालने वाले हैं रिक्वेस्ट मेथड जो कि एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, और हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं equals to post। इसका मतलब ये जो if ब्लॉक होगा ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इस फॉर्म को पोस्ट रिक्वेस्ट से सबमिट करेंगे। सो आफ्टर सबमिशन हम इसके अंदर जाने वाले हैं, फॉर्म सबमिटेड। साथ ही साथ हम एक और चेक लगा सकते हैं, जैसे कि जो हमारा फॉर्म का ये बटन है उसका एक नेम एट्रीब्यूट अगर हम पुट कर दें, जैसे कि btn_submit। मैं इसके नेम एट्रीब्यूट वैल्यू को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक में, और लॉजिकल एंड यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ isSet_post, उसके बाद या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम उस नेम एट्रीब्यूट वैल्यू को पुट करने वाले हैं। सो यहां पर जाने के बाद अगर मैं प्रिंट आर करूं और सारे पोस्ट वेरिएबल डेटा को अगर मैं प्रिंट करूं इको PRE टैग, सो इस कोड का मतलब है कि जब हमने फॉर्म को सबमिट किया तो हम जाएंगे उसके बाद इस इफ ब्लॉक में, और इफ ब्लॉक में जाने के बाद जितने भी पोस्ट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ये हमारा नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, फोन नंबर, जिनको में हम सबमिट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के हेल्प से, उन सभी डेटास को हमें आप प्रिंट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम एक लाइन का कोड और करने वाले हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ हम जाएंगे इस फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में जो कि ब्लैंक है इस वक्त, सो हम इसे रिमूव करने वाले हैं। आफ्टर रिमूव, क्योंकि हम इस पेज के फॉर्म को इसी पेज पे सबमिट करने वाले हैं, सो मैं यहाँ यूज करूँगा PHP टैग इको ग्लोबल कॉन्स्टेंट ऑफ PHP।
नॉट पोस्ट ये भी एक कॉन्स्टेंट है, बट हम यूज करने वाले हैं सर्वर, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और हम पास करने वाले हैं पीएचपी सेल्फ। हमने इस कोड की हेल्प से हमने ये बताया है कि हम इस फॉर्म को इसी पेज पे सबमिट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, तो ये जो लेआउट है उसके बाद हमें जाना है admin.php के बाद क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम। हम स्क्वायर स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अगर मैं जाऊँ php self और हम यहाँ इसे ऐड कर देंगे। सो एक बार हमने फॉर्म के वैल्यूज को फिल कर दिया, सबमिट किया, तो इन सारे डेटास को हम इसी पेज पे सबमिट करने वाले हैं जहां पर हमने जो कोड लिखा है वो है फिलहाल प्रिंट का। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, रिलोड करते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो हम देख पाएंगे अपने इस फॉर्म की एक्शन एट्रीब्यूट में जो हमारे पास URL है वो URL हमारे इस admin.php और पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम का है। इसका मतलब हम इस फॉर्म के डेटा को हम इस पाथ पे सबमिट करने वाले हैं और ये पाथ हमारे इसी पेज का है। अब हम वैल्यूज को फिल करने वाले हैं। सो फिल करने के पहले अगर मैं क्लिक करूँ सबमिट बटन, वैलिडेशन हमने पिछले वीडियोस में इंप्लीमेंट किया था, तो हमें वैल्यू पास करना है। फटाफट से कुछ डम वैल्यूज को हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अगर मैं क्लिक करूं सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर हमारे पास वो सभी नेम एट्रीब्यूट्स हैं उन सभी इनपुट फील्ड्स के जो हमने उस फॉर्म के अंदर डिफाइन किया है। अब इन्हीं इनपुट वैल्यूज को रीड करके ग्लोबल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें सेव करना है अपने उसी टेबल में जो हमने क्रिएट किया था। मैं जाऊंगा एडिटर में। सो यहां पर अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, क्योंकि हम प्रिंट नहीं करना चाहते, उसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो ग्लोबल WPDB, यहां पर नेम इक्वल्स टू नेम वैल्यू को रीड करने के लिए हम जाने वाले हैं इस एरे के अंदर, और हम रीड करेंगे इस नेम वैल्यू एट्रीब्यूट को। सो यहां पर नेम पोस्ट और हम रीड करने वाले नेम। उसके बाद अगर मैं कॉपी कर लूं इसी लाइन ऑफ कोड को और पेस्ट कर दूं, फॉर ईमेल, फोन नंबर, डेजिग्नेशन एंड जेंडर। सो एक एक करके हम कॉपी करते हैं। सो ये है हमारे ईमेल के केस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फोन नंबर, उसके बाद है हमारे पास जेंडर, नेक्स्ट है हमारे पास डेजिग्नेशन। सो ये फिलहाल वो सभी इनपुट्स हैं जो हमने फॉर्म के डेटा के थ्रू रीड किया है। बट डेटाबेस में यूजर इनपुट को पुट करने के पहले हमें सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि हम यूजर के इनपुट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या पता वो कोई MySQL क्वेरी ही इंजेक्ट कर रहा हो। सो सैनिटाइज करने के लिए हम यूज करने वाले एक वर्डप्रेस फंक्शन को, सबसे पहले हम इस नेम फील्ड के साथ करते हैं, मैं इसे कट कर लूंगा। कट करने के बाद सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड, ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है, इसके अंदर हम इसे पास कर देंगे। नेक्स्ट उसी पैटर्न में मैं इस ईमेल को भी कट कर लूंगा, सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड, इसे कट कर लूंगा। सो सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड फॉर फोन नंबर, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड फॉर जेंडर, एंड फाइनली फॉर डेजिग्नेशन। सो फाइनली हमारे पास फॉर्म के सभी वैल्यूज हैं जो कि सैनिटाइज हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कॉल करेंगे इंसर्ट मैथड, और हम सभी मैथड्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। सो हम वहीं से पिक करने वाले हैं इंसर्ट मैथड, जिसके अंदर हम फर्स्ट वैल्यू पास करेंगे टेबल नेम, और जो सेकेंड वैल्यू होगा दैट इज सेट ऑफ डेटा। सो यहाँ पर इंसर्ट कमांड मैं यूज करने वाला हूँ WPDB इंसर्ट मैथड, और यहाँ पर सबसे पहले हम पास करने वाले हैं टेबल नेम। सो इस केस में जो टेबल नेम है हमारे पास वो है WP_EMS_FormData। हम इसे कॉपी करेंगे, पुट करेंगे। सो WP_ हम इसके लिए यूज करने वाले हैं कर्ली पेयर्स WPDB और प्रेफिक्स कीवर्ड।
क्योंकि इसे यूज करने के बाद हम टेबल के प्रीफिक्स को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास wp underscore है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं, बट डायनामिक तरीके से हम इस प्लगइन को किसी भी वर्डप्रेस में अगर सेट करें तो यूज कर पाएं, उसके लिए हम यूज करेंगे wpdb प्रीफिक्स, ताकि किसी ने कोई और प्रीफिक्स अगर उसने यूज किया होगा तो ऑटोमेटिक तरीके से यह पिक हो जाएगा। सो wp underscore ems underscore form data, सेकेंड वैल्यू में हम पास करने वाले हैं एरे ऑफ डेटा। सो एरे, इस एरे में हम पास करें की वैल्यू पेयर्स, और जो की होगा दैट इज कॉलम नेम। सो यहां पर जो हमारे पास कॉलम नेम है दैट इज नेम, हम इसे कॉपी करेंगे, पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल, उसके बाद है हमारे पास फोन नंबर, जेंडर एंड फाइनली डेजिग्नेशन। सो यहाँ पर इनके वैल्यूज में हम पुट करने वाले हैं नेम, उसके बाद है हमारे पास ईमेल जो कि हमने फॉर्म के थ्रू रीड किया है, फोन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर एंड फाइनली डेजिग्नेशन। सो यहाँ पर एक बार वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम चेक करने वाले स्टेटस, क्योंकि हमारे इसी टेबल में एक और कॉलम है दैट इज आईडी, जो कि एक ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है। जब हम कभी एक डेटा को इंसर्ट करेंगे सो इंसर्शन के बाद हमें एक ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी मिलेगी। सो उसी आईडी के बेसिस पर हम यह चेक करने वाले हैं क्या डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पर लास्ट इंसर्टेड आईडी equals to wpdb insert underscore id, कहने का मतलब है जो डेटा हमने इंसर्ट किया है उसकी जो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है वो हमें प्रोवाइड करे। सो यहाँ पर वो आईडी स्टोर होगी। हम चेक करने वाले हैं इफ लास्ट इंसर्टेड आईडी अगर जीरो से बड़ा है इसका मतलब डेटा सेव हो चुका है, अदरवाइज हमारे पास कोई एरर हो सकता है। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं अपने इसी पीएचपी कोड में मैसेज के नाम से, और यहां पर एस ब्लॉक में जाएंगे। अगर कोई एरर है तो हम इसी वेरिएबल में एक मैसेज स्टोर करने वाले हैं दैट इज फेल्ड टू सेव एन एम्प्लॉय, अदरवाइज हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक में, डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो मैसेज इक्वल्स टू Employee saved successfully. So finally, हमने वो सारा कोड इंप्लीमेंट कर लिया है जिस कोड के थ्रू हम इस फॉर्म के एम्प्लॉयज के डेटा को हम सेव कर पाएंगे अपने इस एम्प्लॉयज टेबल में। अब यहां पर ये मैसेज हमने स्टोर कर लिया है, अब हमें इसे प्रिंट भी करना है। तो हम जाएंगे अपने इस पैनल कोड के अंदर, बिफोर दिस फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के पहले हम यूज करने वाले हैं php टैग। If हम चेक करने वाले हैं नॉट एम्प्टी, जो मैसेज वेरिएबल है अगर वो नॉट एम्प्टी है इसका मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू है, अदरवाइज अगर वो एम्प्टी होगा इसका मतलब हमने फॉर्म सबमिट ही नहीं किया है। सो यहां पर अगर वो एम्प्टी है मीन्स नॉट एम्प्टी है सो यहां पर इको मैसेज हम इसे सेव कर देंगे थोड़ा और अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए, ताकि अगर हमारा सक्सेस मैसेज हो तो हम उसे ग्रीन कलर में शो करें, अगर कोई एरर मैसेज हो तो रेड कलर में शो करें। उसके लिए हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं स्टेटस के नेम से, स्टेटस, और इनिशियल वैल्यू अगर हम इसका ब्लैंक कर दें स्टेटस इक्वल्स टू एम्प्टी। सो अगर जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है उस केस में हमारे पास स्टेटस इक्वल्स टू 1 होगा, अदरवाइज स्टेटस equals to 0। यहां पर इस मैसेज के अंदर मैं अगर चेक कर लूं इफ स्टेटस equals to 1, इसका मतलब वो सक्सेस रिस्पॉन्स है, उस केस में हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का div क्लास alert alert hyphen success। उसके बाद हम इस पीएचपी कोड के अंदर हम उस मैसेज को प्रिंट करने वाले हैं, साथ ही साथ अगर स्टेटस इक्वल्स टू 0 है सो उस केस में अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूं पेस्ट कर दूं, इस बार हम यूज करने वाले हैं अलर्ट अलर्ट हाइफन डेंजर। सो ये हमारा कंप्लीट कोड है, अगर मैं सेव करके ब्राउजर पे जाऊं रीलोड करूं, अब हम कुछ एम्प्लॉयज को क्रिएट करने वाले हैं
अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। ये हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय होगा। अब हम क्लिक करने वाले सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से हमने मैसेज को भी सेट किया है और हमने उसे सही तरीके से डिस्प्ले भी किया है। सो एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। मैं जाऊंगा अपने टेबल के अंदर, ब्राउज पे क्लिक करने वाले हैं और हम देख पाएंगे हमारे पास एक एम्प्लॉय सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो चुका है। फटाफट हम एक और एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन सबमिट बटन। एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली और हमारे पास सेकेंड एम्प्लॉय की एंट्री भी हो गई है। तो ये थी गाइज हमारी कंप्लीट वीडियो, जिस वीडियो के अंदर हमने उस एट एम्प्लॉय फंक्शनलिटी को कंप्लीट किया जिसके थ्रू हम फॉर्म के इनपुट को फिल करके अपने टेबल में डेटास को क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ओके हमारे पास एट एम्प्लॉय जो फॉर्म है उसके थ्रू हमने डेटा को सेव कर लिया है, बट यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड मेन्यू है लिस्ट एम्प्लॉय, अभी भी यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक वैल्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डायनेमिक करने वाले हैं, इस टेबल के अंदर वो सारे एम्प्लॉयज आएंगे जिनको हमने क्रिएट किया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day.